संशय बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, और संशय भी स्वाभाविक है क्योंकि दो तीन बार जो दावा कर चुके हैं अनिल विज जी मुख्यमंत्री पद का, और दावा ही नहीं कर चुके बल्कि जो पूर्व में पहली बार जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया था, तो उस बैठक से अनिल विज है वो उठ कर चले गए थे और कहीं कहीं नाराजगी उन्होंने प्रकट की। मुख्यमंत्री के पद का संशय तो खत्म हो चुका है, अब संशय बना हुआ है अनिल विज को मंत्री बनाया जाएगा या डिप्टी सीएम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा में, इस बात पर बहुत ज्यादा संशय बना हुआ था। आखिर आज पंचकुला में विधायक दल की मीटिंग हुई और ये संशय जो है खत्म हो गया। नायब सिंह सैनी के नाम पर एक बार फिर से मोहर लग गई है कि नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो पर्यवेक्षक बनकर आना उनका कहीं ना कहीं एक बड़ा जो संदेश है वो हरियाणा के जो लीडर हैं, हरियाणा के जो नेता हैं, उनके लिए शायद ये एक बड़ा संदेश था कि कहीं ना कहीं वो एकत्रित होकर नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाएं। आइए चर्चा करते हैं कि जो अमित शाह हैं उनका आना और जो विधायक दल की मीटिंग थी उसका जो प्रकरण था वो किस तरह का रहा है। आज मेरे साथ है सतीश मेहरा जी जो हरियाणा की राजनीति के अच्छे जानकार हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, आज हरियाणा के विधायक दल की मीटिंग हुई पंचकुला में, उसमें गृह मंत्री जो है हमारे देश के जिनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है वो आज पहुंचे और नायब सिंह सैनी के नाम पर जो है आखिरकार मोहर लगे कि वही हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तो जो गृह मंत्री हैं हमारे, वो क्या संदेश देके गए हरियाणा के नेताओं को, हरियाणा के विधायकों को क्या संदेश देकर गए होंगे? देखिए, जहाँ तक नायब सिंह सैनी के नाम की बात है, वो चुनाव से पहले ही जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो पहले अनाउंस कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये चुनाव हरियाणा विधानसभा का 2024 का चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक गुटबंदी हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो राव इंद्रजीत हैं वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जी जी बिल्कुल। और अनिल विज को भी माना जा रहा, हालांकि उन्होंने दावा भी जताया दो तीन बार चुनाव के दौरान, जो कैंपेन था उसके दौरान उन्होंने दो तीन बार मुख्यमंत्री पद का दावा भी जताया था। हालांकि आज जो अमित शाह जी यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में आए और मध्य प्रदेश के मोहन यादव ऑब्जर्वर के रूप में थे, उन्होंने उनकी मौजूदगी, दोनों ऑब्जर्वर की मौजूदगी में विधायक दल ने अपना नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और कल वो मुख्यमंत्री पद की जो दूसरी बार है वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो अमित शाह जी का यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में और यहाँ पे विधायक दल की बैठक में आना एक बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जैसे हमने पहले बात की है, दो तीन लोगों ने मुख्यमंत्री पद का दावा जताया है, कहीं ना कहीं उनको ये आशंका रही होगी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को कहीं ना कहीं वो किसी न किसी का छोटा मोटा विरोध न कर दें। हालांकि विरोध किसी तरह का नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो अमित शाह जी यहाँ आए और एक 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 सभी विधायकों को, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेता, उनको एकता का संदेश वो देकर दिया उन्होंने, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक पावरफुल सरकार का गठन का संदेश भी उन्होंने दिया है, क्योंकि अमित शाह एक टॉप टू में हमारे देश की जो सुपर पावर है। जी जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर जो जो सुपर पावर में लिया जाता है तो अमित शाह जी का ही नाम आता है। तो उनका हमारे छोटे से राज्य हरियाणा के उसमें विधायक दल की मीटिंग में आना उनका एक मायने रखता है, उनका एक मतलब जाता है हरियाणा के जो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अभी मुझे लगता है किसी तरह का कोई
भी जो मुख्यमंत्री बनने का दावा प्रस्तुत करते थे, किसी तरह की भी अब कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि मुख्यमंत्री पद का नाम भी के दावे का नाम भी लिया जा सके। तो ये एक सख्त संदेश भी था। और हरियाणा कहीं ना कहीं बगावत ना हो द्वारा से कोई और दावा पेश ना करे, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं साधने के लिए मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का पर्यवेक्षक बनकर यहाँ पर आना तो एक बड़ा मकसद रहा। निश्चित रूप से पहले जब भी जो पहली बार जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें जो अनिल विज उठ के चले गए थे और कहीं की रुष्ट हुए थे, वो अपना विरोध भी उन्होंने जताया था। लेकिन इस बार एक अनुशासन का संदेश भी देना चाहते थे अमित शाह जो आए हैं, तो और पार्टी में किसी तरह की कोई मतभेद नहीं है और पूरी अनुशासित जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड अनुशासित पार्टी माना जाता है उसको देखते हुए वो यहाँ आए। और इसी तरह से जो विधायक दल की बैठक हुई, अनिल विज के नाम से अभी याद है कि पिछली बार जैसे आपने बताया कि विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें से जो अनिल विज थे वो रूट कर चले गए थे। पिछले दिनों भी अगर बात करें तो अनिल विज जो है वो दावा करते रहे हैं इस चीज का कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, अगर हाईकमान मुझे ये मौका देता है तो मैं डेफिनेटली राज्य के लिए अच्छा कर सकता हूं। देखिए कहीं ना कहीं अनिल विज के द्वारा ही नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखाया गया, एक सोची समझी एक बहुत बढ़िया ढंग से जो प्लान किया गया था सब कुछ, ये गृह मंत्री का आना और इन सब चीजों को प्लान करना और उनके थ्रू ही अनिल विज के थ्रू ही उनके नाम का प्रस्ताव रखाना, तो ये बताइए कि उस समय अनिल विज के दिल पर क्या बीती होगी। और साथ ही साथ मेरा एक दूसरा सवाल भी है कि क्या हरियाणा के मंत्रिमंडल में अनिल विज को जगह मिल सकती है? देखिए जहां तक अनिल विज से प्रस्ताव उनके नाम का प्रस्ताव रखवाने की बात है तो अमूमन ऐसा होता है, सभी पार्टियां ऐसी करती हैं, जो भी कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है और वो उनको कहीं ना कहीं अगर नहीं बनाया जाता तो उन्हीं के द्वारा ही जो मुख्यमंत्री पद का जो प्रस्ताव है उनके द्वारा ही करवाया जाता है। ये अक्सर सभी पार्टियां इस प्रकार से जो प्रोसेस है प्रक्रिया है ये तो सर ऐसे हो गया कि जैसे क्लास में जो सबसे शरारती बच्चा होता है तो उसी को केवल टीचर जो है मॉनिटर बना देते हैं कि यही शरारत नहीं करेगा तो डेफिनेटली मान सकते हैं क्योंकि एक संशय बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी में और संशय भी स्वाभाविक है क्योंकि 2-3 बार जो दावा कर चुके हैं अनिल विज जी मुख्यमंत्री पद का और दावा ही नहीं कर चुके बल्कि जो पूर्व में पहली बार जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया था तो उस बैठक से जो अनिल विज है वो उठकर चले गए थे और कहीं कहीं नाराजगी उन्होंने प्रकट की थी। उस नाराजगी के चलते फिर 2-3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो है ना दावा आज उनके दिल पर क्या बीती होगी? आज उनके दिल पे जब इतने दिन से उनके एक कशक थी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का नंबर उनका भी आ सकता है और उन्होंने अपनी इच्छा भी कई बार वो जाहिर कर चुके हैं, सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं बहुत अच्छा हरियाणा को आगे लेकर जाऊंगा। एक भावना तो उन्होंने पाली हुई थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद का पर उनका भी नंबर आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है जब उनके नायब सिंह सैनी के प्रस्ताव के नाम का जो प्रस्ताव पढ़ा होगा उन्होंने, मुझे लगता है बहुत भारी दिल से अनिल विज ने वो प्रस्ताव पढ़ा होगा। अनिल विज के साथ साथ ना प्रस्ताव रगड़े में कृष्ण बेदी भी थे, दोनों ही नेताओं ने दोनों ही विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बात मुख्यमंत्री के पद का संशय तो खत्म हो चुका है, अब संशय बना हुआ है अनिल विज को मंत्री बनाया जाएगा या डिप्टी सीएम की बैकडोर दी जा सकती है। बिल्कुल मुझे तो इनमें से दोनों में से क्या हो सकता है ये तो कल पता चल जाएगा, लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति में ऐसा होता है कि अनिल विज को वंचित भी रखा जा सकता है, उधर जो उन दोनों में से एक को एक सुपर पावर एक अच्छी मिनिस्ट्री या डिप्टी सीएम दिया जा सकता है, क्योंकि अगर अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो वो पंजाबी समुदाय से आते हैं, पंजाबी समुदाय से पहले जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों की भी अपेक्षा होगी, उस समुदाय की भी पंजाबी समुदाय की भी अपेक्षा होगी कि पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे इस बार डिप्टी सीएम या किसी और अच्छी मिनिस्ट्री अगर जी बिल्कुल नहीं देखिए 2014 में गृह मंत्री भी रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उनको गृह मंत्री का जो पदभार है वो मिल सके।
हो सकता है डिप्टी सीएम के बाद डिप्टी सीएम भी बना दें और उसके बाद गृह मंत्री मंत्रालय का कार्यभार भी उसको दे दें। लेकिन दूसरी ओर अगर एससी समुदाय से अगर कोई डिप्टी सीएम बना जाता है तो हालांकि मुझे लगता है तय है एससी समुदाय के विधायक को एक डिप्टी सीएम के पद की शपथ दिलवाई जाएगी कल, और उसमें सबसे जो जो नाम जिसका ऊपर आता है वो कृष्ण कुमार बेदी का नाम ऊपर आता है। कृष्ण कुमार बेदी दूसरी बार नरवाना से अपना पहला जो जो हल्का था उसको उन्होंने नरवाना से शिफ्ट किया है। शाहबाद से पहले 2014 पहले शाहबाद से 14 में चुनाव लड़ा था, आपकी बार नरवाना से भी वो अच्छे मार्जिन से वो जीत कर आए। बिल्कुल ठीक। और एक अच्छे तेज तरार दलित नेता उनको माना जाता है। अभी बात करते हैं नायब सिंह सैनी की, एक बार फिर से मोहर लग गई है उनके नाम पर कि वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीतता हूं और मुख्यमंत्री बनता हूं, मैं शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। क्या जो जैसे पिछले 3-3.5 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें बड़ा स्पीड अप रहे हैं वो, बहुत बड़ा तेजी से उन्होंने फैसले किए, बड़ी तेजी से उन्होंने ऐलान किए, तो क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो अपनी स्पीड को बरकरार रख पाएंगे? देखिए, जब विधायक दल की बैठक में नेता चुनने के लिए अमित शाह आए हैं तो उनको एक पावर का, एक शक्ति का संदेश दिखेगा। ये संदेश इस बैठक से मिलता है कि कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को फ्री हैंड मुख्यमंत्री वो बनाने जा रहे हैं। और नायब सिंह सैनी ने पहले जो चुनाव से पहले 3 महीने जो काम धरातल पर किया है, हरियाणा में किया है, वो लाजवाब काम किया है। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से तीसरी बार प्रदेश में सरकार बन रही है और हरियाणा की जनता ने भी माना है। हरियाणा की जनता ने भी ये माना है कि अगर नायब सिंह सैनी पहले 3 महीने पहले, अगर 1 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाते तो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक चर्चा हुई पहुंची थी, कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन नायब सिंह सैनी ने 3 महीने में जो स्पीड अप एक काम को बढ़ाया, आगे बढ़ाया है, वो मुझे लगता है उनको भारतीय जनता पार्टी को इससे डेफिनेटली निश्चित रूप से लाभ मिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनी है। अभी जैसे रोजगार की बात करें, एक संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी था कि 2 लाख पदों को आने वाले 5 साल में भरा जाएगा। और अभी आज ही अखबारों से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं 1 दर्जन से भी अधिक जो कैटेगरी अलग अलग पोस्टें हैं उनके लिए रिजल्ट उनके घोषित किए हैं, और जिसमें पीजीटी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है 600-700 के आसपास जो पोस्टों के लिए रिजल्ट घोषित किए हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट उस पे अंतिम चरण में, और उनका भी इंटरव्यू के बाद जस्ट उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस भी रिक्रूटमेंट हो सकती है उनकी। और ताज्जुब होगा कि आज या कल में, और उन्होंने जैसे उन्होंने एक कमिटमेंट किया हुआ है प्रदेश की जनता के साथ, कहता है नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं दूसरी बार शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, और आज या कल में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो रिजल्ट मुझे लगता है रात को भी आ सकते हैं, तो इसलिए उसका उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो दावा है, उस पर भी वो मुझे लगता है खरा उतरेगा। 25,000 युवाओं को जो नौकरी देने का प्रोसेस है वो अंतिम चरण में होगा। जी बिल्कुल ठीक। और जो जो अमित शाह जी का यहाँ पे आना जी, और नायब सिंह सैनी को एक हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार चलाने का एक संदेश दे गया ये दौरा, और कल बहुत बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पे जो शपथ समारोह है वो होने जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी है, और मुझे लगता है 20 एनडीए के जो एनडीए शासित राज्यों के 20 से भी अधिक मुख्यमंत्री यहाँ पे विराजमान आएंगे, उपस्थित रहेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना अपने आप में भी एक हरियाणा के प्रदेशवासियों को एक संदेश देता है कि ये सरकार जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बन रही है वो नॉनस्टॉप हरियाणा सरकार होगी। जी बिल्कुल ठीक। सो दोस्तों, विधायक दल की मीटिंग में फैसला हो गया कि नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, और कल यानी कि 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में से लगभग 15-20 राज्यों में से मुख्यमंत्री भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। एक बड़ा सम्मेलन होगा शपथ ग्रहण समारोह का। इसके लिए आप देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।